भागलपुर के पर्वती निवासी समाजसेवी कामेश्वर यादव के निधन पर भागलपुर में शोक का माहौल हो गया है। वहीं कामेश्वर यादव के निधन के बाद शहर के सैकड़ों लोगों की भीड़ अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। बता दी, काली पूजा के प्रधान संरक्षक कामेश्वर यादव के निधन पर श्री श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति, काली पूजा महासमिति एवं विषहरी पूजा महासमिति के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के कई गण्यमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन किया और उनको याद करते हुए उन्हें अंतिम विदाई देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किए। कामेश्वर यादव की अंतिम शोभा यात्रा को पूरे शहर में घुमाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। पूरा शहर गमगीन है, इसलिए कि ये बहुत समाज सेवी थे और पूरे समाज को लेकर चलते थे। और काली पूजा समिति के पर्वती के संरक्षक बहुत दिन रहे हैं और काली पूजा को बड़ी धूमधाम से लोगों से मनाया है। आज ये निधन जो है उनका बिल्कुल एक शहर को क्षति है, पर्वती के लिए तो है ही लेकिन पूरे भागलपुर शहर के लिए है। एक अच्छे नेता थे, ये अच्छा काम करते थे समाज के लिए। आज ये हमारे बीच नहीं रहे, इनके परिवार के इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हम हैं और उनके आत्मा को शांति मिले। पूरा मर्माहत है, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा शहर और मैं यूँ कहूँ कि पूरा बिहार वासियों में जो भी धर्म के प्रति इनका जो एक फाइट था, पूरा जीवन इनका समर्पण रहा धर्म के लिए। सैकड़ों मंदिर बनाए पूरे शहर में, कई ऐसे मंदिर हैं जो हम लोग के जन्म के पहले से भी बना है। जब भी इनके पास आते थे तो ये किस्सा सुनाते थे, आदमपुर का मंदिर हो, मुसहरी घाट का मंदिर हो, पर्वती समाज में कई ऐसा मंदिर है, सब इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया है। पूरा परिवार मर्माहत है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करे इस दुख के घड़ी में दुख सहने का। हम लोग भी पूरा क्षति अपने आप को महसूस कर रहे हैं, पूरा कमजोर महसूस कर रहे हैं। भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र के मौजीलाल झा कॉलेज में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने कॉलेज के लेखपाल के कमरे के अलमारी में रखे एक बोतल इंपीरियल ब्लू ब्रांड का विदेशी शराब बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को शराब पार्टी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई से कॉलेज परिसर में खलबली मच गई। पुलिस ने लेखपाल संजीव कुमार झा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में लेखपाल संजीव कुमार झा का कहना है कि किसी ने मेरी अलमारी में लाकर विदेशी शराब रखा है। चर्चा यह भी है कि कॉलेज के प्रिंसिपल एवं लेखपाल कॉलेज परिसर में अक्सर शराब पार्टी करते हैं। पुलिस को इस बात की जानकारी किसी ने दी, जिसकी जानकारी पर पुलिस पहुंची और लेखपाल मनोज कुमार झा के अलमीरा से शराब बरामद किया। उधर पुलिस लेखपाल को हिरासत में लेकर नाथनगर थाना पहुंची, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें मिला सर, ये शराब कहां से मिली सर? ये गोदरेज के नीचे, आपको नीचे से रखा हुआ था। संजीव कुमार झा इसमें बैठते हैं। अच्छा, चेंबर उन्हीं का है। कौन कॉलेज है ये? मौजीलाल झा कॉलेज है। मौजीलाल झा कॉलेज। सर, इसमें कहा जाता है कि शराब की तस्करी हो रही है। बताइए, सोचिए कि मारे इसको मारे गुरु का ज्ञान माना जाता है, इसको गुरु का ज्ञान माना जाता है। यहाँ पर देखिए जो है गुरु का ज्ञान का, देखिए रवैया हो रहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद से प्रतिबंधित कफ सिरप की मांग बढ़ गई है। ऐसे में गोरख धंधा करने वाले अब कफ सिरप की तस्करी करने में जुट गए हैं। इस बीच पुलिस की सक्रियता से कफ सिरप की बड़ी बड़ी खेप बरामद हुई है। नौगछिया पुलिस ने नौगछिया बाजार स्थित आजाद ट्रांसपोर्ट गोदाम से लगभग 800 प्रतिबंधित कफ सिरप की शीशियां बरामद की है। नौगछिया SDPO ओम प्रकाश अरुण को गुप्त सूचना मिली थी कि नौगछिया बाजार स्थित आजाद ट्रांसपोर्ट गोदाम से प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी की जाती है और सभी तस्कर वहीं से कफ सिरप को खरीद कर अन्य जगहों पर बेचने के लिए लेकर जाते। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोदाम पर छापा मारा। पुलिस को आता देख एक तस्कर अपनी बाइक छोड़ मौके से फरार हो गया। छापेमारी में पुलिस को गोदाम में प्रतिबंधित कप सिरप की कुल 12 पेटियां बरामद हुई, जिसमें कुल 800 बोतल मौजूद थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोदाम मालिक और अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गोदाम को सील कर दिया। वहीं पुलिस ने ट्रांसपोर्ट गोदाम के मैनेजर विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी में कौन लोग शामिल है और इसका तार कहां कहां से जुड़ा हुआ है। नौगछिया SDPO ओम प्रकाश अरुण भी मानते हैं कि कफ सिरप की तस्करी बढ़ी है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नशा करने वाले अब ज्यादा मात्रा वाले एल्कोहल युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं। तक आया मैटर तो हमने अपने दल बल के साथ स्थानीय थाना को भी ले लिया और यहाँ थाना रोड में नौगछिया बाजार में एक प्राइवेट गोदाम है बहुत बड़ा सा। यहाँ ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया जाता है
और इसमें रख करके लोकल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ आकर के छापामारी किया तो बहुत सारा कोडेक्स दवा है, सिरप खांसी का, जो सरकार प्रतिबंधित किए हुए है और यहाँ लोकल में यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसा या नीचे में आप लोग देख लीजिएगा, 10-12 कार्टून मिला है और उसको खोल करके भी हम लोगों ने देखा, कोडेक्स लिखा हुआ है, सिरप है। और अंदर में भी गोदाम में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा खाली कार्टून पड़ा हुआ है कोडेक्स का। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये जांच का विषय है और इस पर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने लोकल अनुमंडल पदाधिकारी को भी खबर किया है कि एक मजिस्ट्रेट को भेजें यहाँ और इस गोदाम को सील कराया जाए। और सिविल सर्जन भागलपुर को भी मैंने खबर किया और वो बोले हैं कि यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, वो अपने स्तर से सबको जांच करके वो भी अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। सर लग रहा है इसके से बहुत दिन से यहाँ पे ये कारोबार, हाँ ये बहुत दिन से चोरी छुपे ये कारोबार फल फूल रहा था और ये लोकल में बहुत सप्लाई कर रहे थे। सप्लाई का अड्डा यहीं था, गोदाम यहीं से लोग आते थे मोटरसाइकिल से और ले करके चले जाते थे और लोकल दुकान में बेचते थे। क्या कुछ आदमी भी है इससे? आदमी को हम लोग पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग निकला, लेकिन मोटरसाइकिल उसका पकड़ा गया है, खड़ी थाना क्षेत्र का है और ये अपाची है, पल्सर मोटरसाइकिल, जो उसको हम लोग पता लगा लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे, सत्यापन कर लेंगे कि किसका है और उसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं, सबको भंडाफोड़ करते हुए सबको सलाखों के अंदर करेंगे। और कुछ प्रतिबंधित चीज़ मिला है गोदाम में, पॉलिथीन या कुछ भी? हाँ, इसके अलावा भी गोदाम को जो हमने चेक किया अंदर घुस करके, मेरा पुलिस फोर्स और हम सभी लोग मिल करके अंदर चेक किए तो इसमें लगभग 25-30 बहुत बोरा है, बोरा के अंदर जो है पॉलीथीन रखा हुआ है जो बाहर से माल मंगा करके लोकल में सप्लाई किया जाता है। ये पॉलीथीन भी जो है सरकार के तरफ से बैंड है, प्रतिबंधित है और यहाँ गुप्त तरीके से सप्लाई किया जा रहा है, इस पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कार्यपालक को खबर किया गया है, वो आकर के अपने इसको जांच पड़ताल करके कार्रवाई करेंगे। इस तरह से कारोबार ना हो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का चोरी छुपे जो भी धंधा हो रहा है इस पर हम लोगों को पैनी नज़र है और एक एक करके हम लोग इसको पता लगा रहे हैं कौन इस धंधे में संलिप्त हैं, उनको पता करके उनको विधिवत कार्रवाई करेंगे और सलाखों के अंदर करेंगे। बाजार में कई मेडिकल दुकान है, उसकी भी सूचना मिल रही है? वो सिविल सर्जन भागलपुर से मैंने बात किया है, वो बोले हैं कि हम प्लानिंग करके और ड्रग इंस्पेक्टर को भेजेंगे और सब आप लोग जो है इसको एक एक करके सबको चेक करवाइए, जो भी इस तरह का संदिग्ध वस्तु पाया जाता है उनको विधिवत कार्रवाई कीजिए। कितना मात्रा में होगी सर ये? लगभग नीचे है 10 कार्टून के लगभग है, इसमें एक पैकिंग किया हुआ है जिसमें 20 बोतल है, छोटा छोटा 200 ml का है और खाली कार्टून भी बहुत सारा पड़ा हुआ है नीचे में जो कोडेक्स का ही है और भी कफ सिरप है जो प्रतिबंधित है, सारा यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, बिखरा हुआ है। ये लोग सभी भाग गए हैं, इन पर हम लोग पता करके कार्रवाई करेंगे। सील भी होगा सर? बिल्कुल होगा, वरीय पदाधिकारी को इस संबंध में मैंने अवगत कराया है, उनके द्वारा हुआ कि जो है जो भी विधिवत कार्रवाई है वो करें। ठीक है सर। तो हमारा पुलिस भी लोकल नौगजिया पुलिस SHO इंस्पेक्टर साहब सभी लोग आ गए हैं और इसको जो है जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाए। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी भागलपुर। आप सभी देशवासियों और भागलपुर वासियों को नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप लोग नए वर्ष में सुखी रहें, सानंद रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद। नव वर्ष 2024 के शुभ अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई जिला जनता दल यू परिवार भागलपुर की ओर से देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं भागलपुर वासियों को देता हूं। साथ ही साथ पूरे देश में अमन चैन एवं शांति कायम हो, भाईचारे के साथ पूरा देश और जिला
राज्य में लोग रहे, यही कामना ईश्वर से करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जी प्रणाम। मैं अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास की ओर से भागलपुर एवं देशवासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये नव वर्ष 2024 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। प्रणाम। नमस्कार। आइडियल टाइल्स की तरफ से भागलपुर शहरवासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं मुकेश कुमार मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बलवाचक पुरेनी स पैक्स अध्यक्ष बलवाचक की ओर से पंचायतवासी एवं प्रखंडवासी एवं जिलावासी को आने वाले 2024 नव वर्ष की एवं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। तमाम माता बहनों के बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे नए वर्ष में रोग से व्याधि से दूर रहे। साथ ही हमारी सोसाइटी दुर्घटना पर काम करती है, अतः आपसे एक निवेदन है कि नए साल में ले नया प्रतिज्ञा, घायल को देख फोटो वीडियो बना मत आगे बढ़ जाना, उसे अस्पताल जरूर लेकर जाना, उसकी जान बचाना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता की ओर से सभी भागलपुर वासी, राज्यवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2024 एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका नव वर्ष खुशियों से भरा एवं मंगलमय हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त पर विकास कार्यों में बाधा डालने, नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन करने और चुने गए जनप्रतिनिधियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। भागलपुर नगर निगम के 51 पार्षदों में से 36 पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि नगर आयुक्त डॉ योगेश सागर के द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए सशक्त स्थायी समिति और सामान्य बोर्ड में लिए गए फैसले को धरातल पर नहीं ला रहे, और जब पार्षद विकास कार्यों से संबंधित कार्यों के लिए नगर आयुक्त के पास जाते हैं तो उनकी बातों को अनसुनी कर दी जाती है। पार्षदों ने पार्षद एकता मंच के बैनर तले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आक्रोशित होकर कहा कि अगर जल्द से जल्द चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बात नगर आयुक्त नहीं मानते तो अब सदन से सड़क तक आवाज बुलंद किया जाएगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए हुए निर्णयों का की अवहेलना की जा रही है, और जनहित में जितने भी प्रस्ताव सामान्य बोर्ड में और स्थायी समिति में लिए जा रहे हैं उस निर्णय का अनुपालन प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे कि नगर निगम क्षेत्र में वार्ड संख्या 1 से 51 तक में कई विकास कार्य बाधित हैं, और जिस अपेक्षा के साथ जनता ने इस बार के बोर्ड को चुना है, जिसमें कि मेयर और डिप्टी मेयर इस पद को जनता ने अपने वोट से डायरेक्ट चुना है पहली बार, लेकिन जो हम लोग समझ रहे थे कि जो ताकत होगी इस बोर्ड की, एक अधिकारी हमारे ताकत को, जो हमारे नगर पालिका अधिनियम ने हमें जो ताकत दी है, जो हमारे बोर्ड को जो ताकत दी है, उसको वो घटाने का काम कर रहे हैं और उस पर कुठाराघात करने की कोशिश में लगे हैं।
शहर की जनता हम लोगों को चुनाव में अपना मत देकर हम लोगों को जिताकर भेजा है। हम लोग भी चाहते हैं कि नगर निगम की कार्यशैली और हम लोग नगर निगम के सदन में अपने अपने वार्ड की समस्या को लेकर जो आवाज़ उठाते हैं, अपने वार्ड की जनता यह बात को जाने कि हम लोग दिन रात वार्ड के विकास की चिंता करते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं होता है। और इसका कारण है मात्र नगर निगम के नगर आयुक्त का हिटलरशाही, और उनका क्या हिटलरशाही है। चार व्यक्ति आ रहे थे, दो डंडाधारी उनके साथ थे, और आने के बाद वो उनसे 30 रुपया 50 रुपया 40 रुपये का रसीद काट रहे थे। और वो रसीद किस लिए काट रहे, जब हमने देखा तो हमने अपनी गाड़ी को रोककर उनसे बात की कि आप किस आधार पर इनसे पैसा ले रहे हैं, गरीब फुटकर दुकानदारों से आप पैसा क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो है ये एजेंसी हम ले लिए हैं टेंडर, तो हम लोगों को बताया बोला कि आप पैसा लेने के लिए, तो हम बोले आप चिट्ठी दिखाइए, तो वो चिट्ठी भी नहीं दिखा पाए। उसके बाद हमने नगर आयुक्त महोदय को फ़ोन किया, नगर आयुक्त महोदय ने फ़ोन रिसीव नहीं किया, और आदित्य जायसवाल जी का हमारे पास फ़ोन आया कि सर का मैसेज है, बात कीजिए। हमने उनसे विषय की जानकारी दी, हमने मेयर महोदया को भी इस विषय की जानकारी दी, सामान्य बोर्ड के सदस्यों को भी जानकारी दी। यह जो एजेंसी संडिस कंपाउंड में कार्य कर रही है, उसको जो काम दिया गया है वो जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए कि पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने वाली यदि कंपनी होगी तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी फुटकर व्यवसायिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो भी मेयर साहिबा से मिले, स्थायी समिति के सदस्यों से मिलेंगे, वो अपनी समस्या लेकर आएंगे। लेकिन ये ज्वलंत विषय है कि यदि जो फुटकर व्यवसायी है उनको कार्ड बनाकर इशू कर दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि जब आपको दुकान वेंडिंग जोन में आवंटन करा दी जाएगी तब आपसे पैसा लिया जाएगा, तो उसके पहले वो पैसा जो लिया जा रहा है वो अवैध वसूली क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, किसके इशारे पर हो रही है, ये सभी बात स्पष्ट करनी चाहिए। और नहीं तो वो जो कंपनी काम कर रही है और जो गलत कर रही है तो उस पर विधि संगत कार्रवाई होनी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय BCA के छात्रों ने परीक्षा विभाग के मुख्य द्वार पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां पूरे देश में BCA के छात्रों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी चरमराई हुई है कि यहां के छात्र अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में BCA 2020-23 सत्र का रिजल्ट घोषित हो चुका है। वहीं आक्रोशित BCA के छात्रों ने आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का घेराव किया। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हम लोगों की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाएगी तब तक हम लोगों का यह प्रदर्शन जारी रहेगा। वही प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि BCA 2020-23 सेशन पूरे भारतवर्ष में खत्म हो गया, इस सेशन के विद्यार्थियों को परीक्षा के बाद परिणाम भी घोषित कर दिया गया है, यहां तक कि बिहार की मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी इसकी परीक्षा खत्म हो गई है, परीक्षार्थियों को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन एक तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है जहां अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, जब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होगी तब तक यह प्रदर्शन हम लोगों का जारी रहेगा। BCA सेमेस्टर का 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, सेशन 20-23 है, और हम लोग का एग्जाम जो है एक साल ऑलरेडी लेट चल रहा है यूनिवर्सिटी में, और इस कारण हम लोग को अभी लेट लिया जा रहा है, जनवरी में 6 सेमेस्टर का एग्जाम लिया जा रहा है, और जिसको 4th-5th में बैक लग गया है, एक बार मौका नहीं दिया गया है कि उसको दोबारा एग्जाम दिया जाए या कुछ ऐसा बात। उस समय डेंगू चरम सीमा पे था डेंगू, और बहुत सारे स्टूडेंट को डेंगू हो जाने के कारण वो नहीं आ पाया था एग्जाम देने के लिए, जिस वजह से उसको 5th में बैक लग गया है। हम लोग चाहते हैं कि उसको भी दिया जाए, जिसको बैक लग गया 4th-5th में उसको भी फॉर्म भरने दिया जाए 6 सेमेस्टर का, और जैसे 6 सेमेस्टर का फॉर्म भर दिया उसको रिजल्ट दे देगा, बाद में जो आएगा 21-24 जो सेशन आएगा उसके साथ 4th-5th अपना दे देगा, यही हम लोग का मांग है। मिले भी थे किसी से? नहीं, अभी हम लोग कंट्रोलर से मिले हैं लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हो जाएगा लेकिन हवा हवाई बात। भागलपुर के पीरपैंती बाराहाट में भू माफिया का काफी आतंक है, वहीं भू माफियाओं ने 12 से 15 परिवारों को घर से बेदखल कर दिया है। इतना ही नहीं, जबरन सभी परिवारों के नाम नोटिस करवा कर प्रशासन से बल प्रयोग कर घर भी खाली करा लिया है। सभी पीड़ित परिवार वाले आज अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलने पहुंचे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आवेदन लेते हुए उन लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर संज्ञान लेकर जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि इस ठंड भरे मौसम में अब अचानक हम लोगों के माथे से छत छीन लिया गया, आखिर हम लोग कैसे रहें, कैसे परिवार का गुजर बसर करें। घर उजारे लो छे बाबू, ठंडा में भगा रहे छे, हमरा ने जब वो जमीन लगे 3000 रुपया करी खाई छे। कौन उजारा? वो बगल वाला जमीन वाला इंजीनियर
इंजीनियर केजरीवाल मरवाड़ी है, दबंग है। हाँ मरवाड़ी सरकार के द्वारा सरकारी जमीन में रही थी। मैंने हर हर बेर अभी अभी सबका धटाक जाए थे कि उजारने पड़ेगा कहाँ जाएंगे सर, जाड़ा जमीन नहीं है, जो उजाड़ है दबंग है ना, ज़्यादा अथे है मरवाड़ी। हाँ डी एम साहब के पास अलो जी से अलो लिया आवेदन दिल घर बचा वास्ते रह वास्ते चाहे छे बाबू, कहाँ जब उजारी हमारे गरीब आदमी ठंडा दिन हम कहाँ जब जमीन जब घर छे कहाँ जब हरदम सरकार जमीन बसाए छे भगाए छे ये भगाए रहलो छे सब ना। पीरपैती विधानसभा के बाराहाट स्थित, बाराहाट से 2 किलोमीटर जो है दूर है, और ये लोग जो है बिहार सरकार के ज़मीन में बसा हुआ था। तो आज 40-50 साल से जो है लगभग ये लोग बसा हुआ है। कोई निर्माण कार्य नहीं सरकारी करना है, लेकिन एक भू माफिया जो है पीछे में प्लॉटिंग किया हुआ है, और वो भू माफिया के आवेदन पर ये इतना बड़ा एक्शन लेना मतलब ये पदाधिकारी का शोभनीय बात नहीं है। एक भू माफिया आवेदन दिया कि हमारे आगे में जो है गरीब सब बसा है, इसको हटा दीजिए, और उसी के चलते में जो है उन लोगों को इन लोग गरीब को 3-3 नोटिस दे दिया, और हटाने के लिए जो है पुलिस बलपूर्वक जो है मजिस्ट्रेट अथी करके इन लोग को हटाने का प्रयास कर रहा है। ये सरकार तक हम लोग बात को पहुँचाएँगे, हम लोग सरकार में हैं, पदाधिकारी को भी हम अभी जिला पदाधिकारी से मिलकर के हमने सारे बात से अवगत करा दिए कि ये लोग गरीब है और ठंडा का समय है, ये लोग गरीब आदमी अभी कहाँ जाएगा, कहीं आप अगर ज़मीन भी दे दीजिएगा तो ये अभी तुरंत नहीं बस पाएगा, इसलिए इसको अभी तत्काल रूप से वहीं रहने दिया जाए। आपने कहे हैं कि ठीक है इंदिरा आवास का मकान इसको दे देंगे तो इसको हटा दीजिए, लेकिन अभी इस ये लोग कहाँ जाएगा, ये ठंडा का समय है, गरीब आदमी यहाँ तुरंत घर बन नहीं पाएगा, इसलिए तत्काल इसको वहीं रहने दिया जाए, और किसी भू माफिया के कहने पर पदाधिकारी को नहीं चलना चाहिए, उसको सही जांच करवा लेना चाहिए कि क्या हकीकत बात है, वो पीछे में प्लॉटिंग किया है और एक आवेदन दिया है कि हमारा ज़मीन का भाव। आज जो है हम लोग जिला पदाधिकारी से अभी मिले हैं और सारी बातों से उसको अवगत कराए, फ़ोन पर भी बात किए थे लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ, लेकिन अभी जो हम लोग मिले हैं उन्होंने कहा है कि एक आवेदन दिलवा दीजिए, हम उसको जांच करवाएंगे। हम कहे कि गरीब आदमी है, वो कहाँ जाएगा अभी जाकर के। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल का न्यायालय शुरू कर दिया गया है। पहले मोटर वाहन दुर्घटना को लेकर मामला कोर्ट में चलता था, लेकिन अब न्यायाधिकरण में ही मोटर दुर्घटना के मामले की सुनवाई की जाएगी। वहीं नए नियम के तहत इसमें कई बदलाव किए गए हैं। वहीं अब 6 माह के अंदर दुर्घटना को लेकर न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। वहीं 1 साल के अंदर मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। वहीं जज विजय कुमार ने मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अपना योगदान दे दिया और आज से ही यहाँ पर मामले देखे जाने लगेंगे। ये संशोधित हुआ है 2022 में, तो अभी इसमें जो संशोधन हुआ है उसमें कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है और कुछ नया चैप्टर जोड़े गए हैं इसमें। तो इसमें अब पहले था क्या, ये चलता था कोर्ट में, अब ये न्यायाधिकरण बना दिया गया है, तब इसका जो निष्पादन होगा इस न्यायाधिकरण में होगा, और इसमें इसको थोड़ा ईजी बनाया गया है कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिल जाए। और इसमें पहले जो मुआवजा 2.5 लाख का था वो फिक्स बढ़ा करके उसको 5 लाख तक किया है फिक्स वाले में, और जहाँ जिसमें एक था पहले शायद 75,000 का, उसको बढ़ा के 2.5 लाख किया गया। ये दोनों तो 2.5 लाख वाला तो गवर्नमेंट के हिसाब गवर्नमेंट कहाँ से होगा, सरकार जो देती है वो, और बाकी जो है यहाँ से होगा। और कुछ जो है जिसमें कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में अंग भंग हो गया या किसी की मृत्यु हो गई है, तो वैसे व्यक्ति के लिए फॉर्मूला बेसिस पर निष्पादन होता है, उसमें एक चैप्टर चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के हिसाब से उसको देखना है कि कितना पैसा इसको मिलेगा, उसके लाइफ के हिसाब से कितना उसका लाइफ बचा हुआ था, कितना आगे जाएगा, कितना पैसा मिलना चाहिए, उस सब चार्ट में बना हुआ है, एक उससे मिलेगा। और एक ये भी है कि अब पुलिस को भी जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे थाना प्रभारी के इलाके में जिस क्षेत्र में उनका है थाना, तो थाना प्रभारी घटना अगर घटती है तो उसके बारे में इसको न्यायाधिकरण को सूचना देंगे,
या मान लिया कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मृत्यु हो गया चाहे इसका अंग भंग हो गया है, वो उसका कोई कोई रिश्तेदार या कोई बच्चा या कोई वार्ड होता है जिसको सक्सेसर बोलते हैं, तो वो अगर कुछ आए तो वो भी यहाँ आकर के न्यायालय यहाँ सूचना देगा, अपना मुकदमा दायर करना हुआ दायर करेगा। अब है कि 6 महीने पहले होता था कि कोई इसमें लिमिटेशन नहीं था कि कब दायर करना है, अब है कि इसमें 6 महीने के अंदर दायर कर देना है, अब ये नहीं कि जब मन चाहे तब कर दें। तो और इसमें ये भी कहा गया है कि पहले जब जैसे ही केस फाइल होता है तो आप सबसे पहले दोनों पार्टी को बुलाएंगे, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई या जो गाड़ी का मालिक हो गया वो हो गया, और जो विक्टिम है जो जिसका क्षति हुआ है जिसका मान लिया कोई मैंने क्षति हो गया चाहे जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके तरफ जो व्यक्ति है जब या वो स्वयं जो आदमी घायल हुआ है वो, तो वो दोनों बैठ करके उनको एक मेडिएशन करना है कि आप दोनों कंप्रोमाइज कीजिए कितना तक में कर सकता है, तो मिला जुला के बैठा के जल्द से जल्द निष्पादन के लिए उनको करना है ताकि उनका जो दावा है जल्द से जल्द उनको मिल जाए, कंपनसेशन जल्द से जल्द उनको मिल जाए, क्षतिपूर्ति जितना है उनको दे दिया जाए। तो अभी एक सुविधा बनी है, तभी नया ही खुला है, तो अभी ये स्टार्ट होने वाला है, आरम्भ होने वाला है, अब देखें हम लोग इसको जल्दी से जल्दी इसको तेज़ी से हम लोग काम शुरू करेंगे। और भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की मजदी मौजा के जहांगीरा कब्रिस्तान की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्र को मिट्टी से ढकने एवं वृक्ष काटने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा घटना की सूचना एसपी डीएसपी थाना प्रभारी को दूरभाष पर देने पर घटना स्थल पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे और कार्य को बंद कराया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि मजदी मौजा का जहांगीर कब्रिस्तान बरसों से है, हम लोगों के पूर्वज ही इस जमीन पर कब्र दफन करते आ रहे हैं। इस जमीन का मामला भागलपुर न्यायालय में चल रहा है, तब भी विभूति यादव अशोक यादव के पुत्र द्वारा बाई जबरन विशाल वृक्ष काट लिया गया और कब्र पर जेसीबी से मिट्टी डालकर निशान मिटाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आया था तब तक इस जमीन पर कार्य नहीं होना चाहिए, और कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री से मांग किया है, हमारी बातें सरकार तक पहुंचे जिससे हम लोगों का समाधान हो सके। मेरा कब्रिस्तान का है, जो थाना नंबर 71 मस्जिद मौजा में पड़ता है, हम लोग जो है केस लड़ रहे हैं, टाइटल सूट भी है 570/14 में, सब जज 9 में अभी केस पड़ा हुआ है, लेकिन भूपति यादव और उसका भतीजा सब जो है ज़बरदस्ती गाछ उसको कटा करके जो कब्रिस्तान था उस पर भी मिट्टी डाला गया है, जबकि अभी हम जाके पूछे भी तो बोलता है जाके थाना में करो, जो करना है थाना में करो, CO के पास करो, और हम पहले भी आवेदन CO थाना और SP DSP के पास दिए हुए हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तक हमारा बात पहुँचे और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पास कि हमारा कब्रिस्तान का जो है निदान हो सके, और साफ जो जांच है वो जांच करके अगर भी हम लोग केस हार गए हैं तो कोई बात नहीं है, जब केस टाइटल छूट में है तब ये लोग जबरदस्ती करके अपना ये कर रहा है, 25-30 वहाँ पर अभी है भी वो सब। कौन कौन जबरदस्ती कर रहा है? भूपति यादव है, उसका भतीजा सब। क्या नाम है? नाम उसका हम नहीं जानते हैं, अशोक यादव का लड़का सब है, वो लोग दबंगई दिखा रहा है। दबंगई दिखा रहा है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, जबकि हम उसमें अभी 40 बरस से केस लड़ रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? अभी भी टाइटल छूट में है। तो अभी क्या हो रहा है वहाँ जमीन? अभी वो जो है जबरदस्ती मिट्टी भरा रहा है, जो कबर तबर है उसको भी तहस नहस तोड़ ताड़ के कर दिया है। इसका सूचना दिए थाना पना? थाना भी अभी हम फोन किए हैं, SP के पास फोन किए, हम लोग 4 घर है और हम लोग का कोई सुनता भी नहीं है, बहुत कमजोर है। अगर जी माननीय नीतीश कुमार अगर जी कुछ इसमें सक्षान ले ले, जांच करवा करके देख ले, अगर जी कब्रिस्तान नहीं है उसमें हड्डी नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं, पुरनका भी हड्डी हमारे पास फोटो वोटो खिंचा हुआ है, सब चीज़ है, जब केस कोर्ट में है तो सब जबरदस्ती क्यों कर रहा है?